श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। विचार किए पाइए हुआ एही अरस समूर वाको लिख्या पुराण में ए जो कहा नूर का नूर ए जो कया नूर का नूर। ब्रह्मात्माओं का प्रसंग चल रहा है तो उनके लिए कहते हैं ए जाहिर कही हक बाहिदत। इन्होंने ही दिव्य परमधाम को वाइद का अर्थ होता अद्वैत भूमि का। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अद्वैत धाम को इन्होंने ही दुनिया में वर्णन करके बताया। तो ये शोभा ब्रह्मात्माओं को ये दी है हक आदि उमत वातन। तो उसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री श्यामा जी और उनकी अंगना ब्रह्मात्मा है। तो उन सबका विवरण उन्होंने उनका वातन कहने से उनकी गुप्त बातें जो दुनिया में अभी तक किसी को पता नहीं था उनकी लीलाएं हैं। अक्षर ब्रह्म को भी पता नहीं वो प्रसंग भी आएगा। शो करूं जाहिर वर कथा दियो। तो अब ये सद्गुरु की कृपा से इन सब बातों को मैं स्पष्ट कर देता हूँ। पर अबल नफा लेशी मोमिन। तो सबसे पहले तो ब्रह्मात्माओं को इसका लाभ प्राप्त होगा क्योंकि वो समझेंगे। उसके बाद में धीरे 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 दूसरे लोग भी समझेंगे कि हाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। परमधाम में विभिन्न प्रकार की लीलाएँ होती है। उनके प्रति पूरा प्रेम प्रकट न भी हो फिर भी लोगों को ज्ञान तो होगा। चरण ग्रहों नूर जमाल के जिनके चरण किया मेरा दिल। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को ग्रहण करते हैं कि जिन्होंने अरस किया मेरा दिल। तो जो चरण मेरे हृदय में पधारे हैं बैठे आए हैं पड़े हैं तब से ये हृदय धाम बन गया है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वर्णन करना और उनके चरण का ग्रहण करना है कि जिन्होंने मेरे हृदय को परमधाम बना दिया। सो बयान करता है हुकुम हक सुख लेसी मोमिन दिल। ये वर्णन ऐसे सामान्य रूप से तो हो नहीं सकता। तो पूर्ण ब्रह्म का आदेश है वही ये काम करता है। इस शरीर को तो उसने माध्यम बनाया है। इस प्रकार से कहते हैं हक सुख लेसी मोमिन मिला। तो सब ब्रह्मात्माएं मिल करके उस अखंड सुख को प्राप्त करेंगी। अपूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ किस प्रकार की लीलाएं होती है परमधाम में उन सबको ब्रह्मात्मा समझ पाएंगी। अरस हमेशा कायम जो हक का हुआ तखत। परमधाम तो हमेशा अखंड है। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का सिंहासन है वहाँ परमधाम में। लपूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमधाम में विराजमान होते हैं। सो कायम दिल मोमिन का जीता है हक खेलवत। अब वो ब्रह्मात्माओं का दिल बन गया है क्योंकि ब्रह्मात्माओं के दिल में वो बैठते हैं। जीता है हक खेलवत। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने आत्माओं के साथ में विराजमान होते हैं। तो ऐसा ये सारा धाम वो ब्रह्मात्माओं का हृदय बन जाता है ये कहना चाह रहे हैं। कदमों लागू करूं सेजदा पकड़ के दो उपाय। अब ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दोनों चरणों को पकड़ करके प्रणाम करते हैं। हुकुम करता है मासुक बीच आशिक के दिल आए। अब मासुक का तात्पर्य हो गया तो प्रियतम। तो प्रियतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अब आशिक अनुरागिनी आत्माएं। तो अनुरागिनी आत्मा के हृदय में बैठ करके तो उसका वर्णन करवाते हैं उसके लिए आदेश करते हैं। मासुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासुक। तो हे प्रियतम धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हम आपकी अंगना हैं और आप हमारे
प्रियतम है। ये हुकुमें इल्म दृढ़ किया, आपके आदेश ने ही ये ज्ञान भी दृढ़ कर दिया है। और जो रूह क्यों न हो तो टुक टुक, इतना सब होने पर भी अभी तक आत्मा को इसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? ये ज्ञान भी दे दिया, ये होने पर तो आत्मा के टुकड़े टुकड़े होने चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि शरीर को धारण करके नहीं रहना चाहिए, इसको निकल जाना चाहिए शरीर से। तो ये है, तो वो विरह वेदना से शरीर टुकड़े टुकड़े हो रहा है, हृदय फट रहा है, ऐसा लगता है। तो उसके लिए ये विरह की बात कर रहे हैं। इतही सेजदा बंदगी, इतही जारत जगात, आपके चरण जहाँ पड़ते हैं तो वहीं पर सेजदा, सेजदा का अर्थ होता है नमन करना, प्रणाम करना, बंदगी वो प्रार्थना उपासना। तो अब वो मुसलमान लोग उसमें परमात्मा का घर, अब ये क्या समझाना चाह रहे हैं? मुसलमान लोग खुदा का घर वो मक्का को मानते हैं, तो प्राणना जी समझाते हैं कि तुम लोग ये मान रहे हो, ये कोई उस तरह से नहीं होता है। तो जब परमात्मा दिल में बैठते हैं तो वो दिल ही सब कुछ होता है। तो इसलिए कह रहे हैं, तो जहाँ परमात्मा बैठे होंगे तो वहीं पर नमन होता है, वहीं पर बंदगी। इत ही जारत, वहीं पर जारत बोलते हैं दर्शन करने के लिए जाना, हज जारत ऐसा बोलते हैं ना, यात्रा करके दर्शन के लिए यात्रा करने जाना, यात्रा करके जाना। तो जगात दान देना, इत ही जिक्र, तो जिक्र उल्लेख करना, नामस्मरण, हक दोस्ती, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में मित्रता, तो उनके साथ में उनका ही स्मरण करते रहना, तो वो मित्रता। इत ही रोजा खोला था, तो रोजा खोलने का तात्पर्य जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अनुभव हो जाता है तो फिर व्रत पूरे हो जाते हैं। तो वो दूसरे तरीके से समझते हैं, तो उनको समझा रहे हैं कि जहाँ ब्रह्म आत्मा होंगे तो वहाँ सब कुछ है। और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि नौतनपुरी धाम के लिए कहा जहाँ वालानो विश्राम, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का विश्राम हो तो यहाँ विश्राम करते हैं, तो वहाँ से तो सारी शक्ति आ गई है, तो वो भी बात समझाना चाहते हैं। दिल को तुम अर्श किया, तुम आए बैठे दिल माए, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे धाम धनी, आपने हमारे हृदय को परम धाम बनाया और आप उसमें आकर के बैठ गए, हम अर्श समेत तुम दिल में, और हम अपने दिल रूपी धाम उसके साथ में आपके हृदय में बैठते हैं, हमें आपने अपने हृदय में बैठा है। अजो क्यों जोश आवत ना है, इतना सब होने पर भी अभी तक जोश क्यों नहीं आ रहा है, उत्साह क्यों नहीं आ रहा है? तो अभी तो तुरंत सब कुछ छूट जाना चाहिए, माया मोह वगैरह। दिल अरश हुआ हुक्म में, तुम आए अपने हुक्म, तो आपके आदेश से ही ये दिल परम धाम बना है, ये हृदय धाम बना है। और आप भी अपने हुक्म के साथ में हृदय में बैठे हैं, अब हृदय में बैठ करके हुक्म चला रहे हैं, अपना आदेश चला रहे हैं। इसका इल्म सब हुक्म है, तो आपके आदेश में ही प्रेम भी है, आपके आदेश के कारण ही प्रेम ज्ञान ये सब प्राप्त होता है, प्रकट होता है। कहो जरा न बिना खसम, आपके बिना तो कुछ भी नहीं है, आप जहाँ होंगे वहाँ आपका हुक्म भी होगा, सब कुछ वहीं होगा। बुद्ध जागृत इल्म हक का और हकई का हुक्म, जागृत बुद्धि और ज्ञान तारतम ज्ञान और हकई का हुक्म और आदेश, वो सब आपका ही है। ज्ञान भी आपका है, जागृत बुद्धि आपकी दी हुई है, तारतम ज्ञान आपका दिया हुआ है, और इसको दुनिया में प्रचारित करना, ब्रह्मात्माओं को जागृत करना और पूरी दुनिया को मुक्ति का मार्ग दिखाना, ये आदेश भी आपने दिया है।
जोश अरश का दिल में, परमधाम का जोश भी दिल में भर दिया। ये सब मिल दिल में हम, तो हमारे दिल में ये सब मिल गया है। ये सारी चीज हमारे दिल में, हम दिल, हमारे दिल में ये सारी वस्तुएं आई हुई है। अब दिल में ऐसा आवत ये सब करत चतुराय, तो कभी कभी दिल में ये भी लगता है कि क्या हम ये सब चातुर्य से, चतुराई से ये बात कर रहे हैं या सचमुच पूर्ण ब्रह्म परमात्मा करवा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है। फिर देखो इन चतुराई को तो हक बिन हरफ न कहो जाए। फिर इसमें कोई चालाकी है कि नहीं, कोई हमारे मन की चालाकी हो, बुद्धि की चालाकी हो, तो वो देखते हैं तो लगता है कि नहीं नहीं अभी तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया। ये बुद्धि मन तो दुनिया के हैं, तो दूसरों से भी तो ये होना चाहिए था, दूसरे किसी से नहीं हुए हैं, तो इसमें सचमुच पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही करवा रहे हैं ऐसा, तो ये मुझे विश्वास होता है। ये कहते हैं हक बिना हरफ न काढ़ियो जाए। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बिना तो उनके नाम का एक वाक्य अथवा एक शब्द ये भी बोला नहीं जा सकता। हक चतुराई ना चौदह तबकों, चौदह लोक में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए किसी भी प्रकार की चतुराई चौदह लोक में हो तो वो काम नहीं करती है। हक बका कहीं ना किन तरफ, अभी तक किसी ने भी इस चतुराई से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दिशा को बताया भी नहीं। ला मकान सुन छोड़ के किन सीधा कयान एक हरफ, तो ये शून्य ला मकान कहने से भी शून्य ही होता है, तो शून्य निराकार को छोड़ करके किसी ने भी एक सीधा वाक्य परमात्मा के विषय में कोई स्पष्ट बात नहीं कही। हक चतुराई, हक इल्म और हकई का हुक्म, जो चतुराई भी होगी तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही दी हुई है। इल्म ज्ञान वो भी उनका ही दिया हुआ है, और हकई का हुक्म और आदेश भी उनका ही है। ये तीनों मिल कहता है बात बड़ी का समय, तीनों मिल करके परमधाम के वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात बहुत विशेष है। लाम कान शून्य के परे हुआ नूर अक्षर, तो शून्य निराकार से परे अक्षर ब्रह्म है। कोट ब्रह्मांड उपजे खपे एक पाव पल की नजर, तो उनके एक दृष्टि के भी, उनकी दृष्टि पड़ती है तो उसके भी एक चतुर्थ अंश समझ लें। इतने में तो करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और मिट जाते हैं, उनकी आँख खुलती है और बंद होती है, उसके चतुर्थ अंश मात्र में करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं, तो इतनी क्षमता अक्षर ब्रह्म में है। अक्षरातीत नूर जमाल ए तरफ जाने अक्षर नूर, तो अक्षरातीत हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, तो इसको तो अक्षर ब्रह्म ही जानते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अक्षर ब्रह्म जानते हैं। एक या बिना त्रिलोक को इन तरफ की न काहु सहूर, अक्षर ब्रह्म के अतिरिक्त इस नश्वर जगत में तो कोई भी नहीं जानता है, अक्षर ब्रह्म ही अक्षरातीत को पहचानते हैं। तो कया आगो हक बुद्ध के चौदह तबकों सुदनाए, इसलिए पहले कहा कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के विषय में जानकार लोगों ने यह कहा चौदह तबकों सुदनाए, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के विषय में तो चौदह लोक में किसी को भी पता नहीं है। सो बुद्ध जागृत मोहम्मद रुहअल्लाह दई मेरे हृदय माहे, तो वो जागृत बुद्धि अभी तक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को बताने वाली, उनका वर्णन करने वाली सच्ची बुद्धि हक बुद्ध ये कह रहे थे ना, वो चौदह लोक में तो कहीं है नहीं, और वो मुझे सदगुरु ने आकर के दे दिया। दई मेरे हृदय माहे, उन्होंने मेरे हृदय में ये सब डाल दिया। तो प्राणनाथ जी जैसे सदगुरु को प्रणाम करते हैं तो सदगुरु उनके सिर पर हाथ रखते हैं, तो उसी समय उनको लगता है कि मुझे, मेरी बुद्धि को जागृत कर रहे हैं और विशेष शक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे सदगुरु के लिए ही रुहअल्लाह मोहम्मद इस तरह से करके कतई परंपरा में कहा है।
तो ये मोहम्मद कहने का तात्पर्य ये अंतिम कयामत के समय में प्रकट होने वाले परमात्मा की शक्ति। पात साई एक हावंद की, बीच साई भी यहाँ दोए, पात साई एक हावंद की, एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साम्राज्य है। फिर भी तो ऐसे अखंड भूमिका में दो प्रकार के साये भी यहाँ, दो प्रकार का प्रभुत्व दिखाई देता है। ए बाह्य दत्त की हकीकत या द्वैत भूमिका की यथार्थता बिना मार्फत न जाने कोई ये उसको पहचाने बिना कोई बता नहीं सकता। साम्राज्य दो नहीं है, वो एक ही है, किंतु उसमें भी प्रभुत्व है, अक्षर ब्रह्म का भी है। तो अक्षर ब्रह्म का प्रभुत्व दुनिया बनाने के लिए है, दुनिया को बनाने का दायित्व दिया है, वहाँ अक्षर ब्रह्म का प्रभुत्व है। परमधाम की लीला में अक्षर ब्रह्म का प्रभुत्व नहीं है। यह बात तारतम ज्ञान के माध्यम से समझा जा सकता है। सो बुद्ध दो अरसों की दो स्वरूप थे जो गुज, तो ये बुद्धि और परमधाम के दोनों विभाग, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, परमधाम रंगभवन और अक्षर ब्रह्म का अक्षरधाम, तो ये दोनों स्थान के विषय में दो स्वरूप थे जो गुज, दोनों स्वरूप से ये दोनों बातें गुप्त थी। गुप्त थी का तात्पर्य वैसे तो आगे ये बात समझाएंगे, तो अभी इतना कह सकते हैं। तभी दो अक्षरधाम और परमधाम, अक्षर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, तो ये दोनों बातें गुप्त थी। अभी तक स्पष्ट करके किसी ने भी नहीं बताया दोनों स्वरूप के विषय में, तो ये कह सकते हैं। ए सुख कायम अरस रुहन के सो कायम कुंजी दई मुझे, और ए सुख कायम अरस रुहन के, ब्रह्मात्माओं का जो अखंड सुख प्राप्त होता रहता है परमधाम में, तो सारी बातें समझाने के लिए सो कायम कुंजी दई मुझे, तो वो अखंड चाबी तो वो भी कभी मिटने वाली नहीं है, ऐसी कुंजी मुझे दी, तो परमधाम को खोलने की, कायम को खोलने की कुंजी मुझे दी, तारतम ज्ञान प्रदान किया, ये कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के विषय में और वहाँ के लीला के विषय में, तो ब्रह्मात्मा और अक्षर ब्रह्म दोनों को तो पूरी पूरी बातें एक दूसरे के विषय में ख्याल नहीं था। ब्रह्मात्मा अक्षर ब्रह्म को नहीं समझती थी और अक्षर ब्रह्म ब्रह्मात्माओं को जानते नहीं थे, तो उस के लिए भी कह सकते हैं। लेकिन मूल रूप से ये अक्षर और अक्षरातीत और अक्षरधाम और परमधाम, इनके विषय में अभी तक दुनिया में ये बात गूढ़ी बनी रही थी, तो उसको तारतम ज्ञान, उसको स्पष्ट करने के लिए तारतम ज्ञान प्रदान किया गया है। और सुख बारीक ये सुनो, और भी विशेष बारीक बात और सुन लो। कहे नूर नूर तजल्ला दोए, और नूर तजल्ला, अक्षर और अक्षरातीत, ये दोनों स्वरूपों की बात तो बताई, किंतु नूर तजल्ला के अंदर की शुद्ध नई नूर को सोए, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंतरंग लीला के विषय में तो अक्षर ब्रह्म को भी ज्ञात नहीं है, तो ये विशेष बात समझा रहे हैं। अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इश्क वर्तत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन विद केला करत, उसी बात को समझा रहे हैं। जित चल न सके जबराइल कहे आगू जलत मेरे पर, जिस धाम की ओर बढ़ने के लिए तो जिब्रिल भी समर्थ नहीं हुआ और कहने लगा मेरे पंख जलते हैं, जलावत नूर तजली, तो अक्षरातीत धामधनी का तेज है वो उसके पंख को जलाता है, मतलब उससे उस तेज के हिसाब से वो आग उधर जा नहीं सकता, मैं चल सकूँ क्यों कर, इस प्रकार की बातें, फिर मैं कैसे चल सकता हूँ, इस प्रकार से वो रसूल को कहता है। तो ये प्रसंग कते परंपरा में, सो शुद्ध बातुन नूर जमाल की अरश अजीम के अंदर, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की वो समझ, वो ज्ञान परमधाम के अंदर का,
दो हादिये मेहर कर पट खोल दिए अंतरा। तो ये दोनों बातें तो सतगुरु ने मेरे ऊपर कृपा करके और अंतर पट को खोल करके ये सारा स्पष्ट करके समझा दिया। जो सुध नहीं नूर जागृत नूर जमाल का बातन, नूर को जागृत अवस्था में जब अक्षरातीत के दर्शन करते हैं तो उस समय भी तो उनको नूर जमाल का बातन, उनका गूढ़ उनकी लीलाओं के विषय में उनको मालूम नहीं है। सो बेशक सुध हके मोहे दई, वो समझ भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने मुझे दी है। सो मैं पाई बजुद सपना, तो मुझे तो ये स्वप्न के तन में ये ज्ञान मिला है। रुए अंदर अर्श अजिम के जो अरवाह 12,000, तो ब्रह्मा आत्माएं दिव्य परम धाम के अंदर जो 12,000 कही गई है, हक ऊपर बैठे देखावत ये जो खेल कुफार, उनके ऊपर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो उनको उनके ऊपर बैठ करके, कहने का तात्पर्य ब्रह्मात्माओं को अपने चारों तरफ बैठा करके अपने निगरानी में, तो वो उनको दुनिया दिखा रहे हैं ये जूठ का खेल। सो भिष्ट दई हम सबन को कर जाए रे बका अरसहिता, अब हम ब्रह्मात्माओं को ये क्षमता भी दी है कि हम परमधाम के विषय में स्पष्टता करके और पूरी दुनिया को अखंड सुख प्रदान करेंगे, मुक्ति दिला देंगे। करे त्रैलोकी त्रैगुण कायम, तीनों लोक को और तीनों लोक के त्रिगुणाधिपतियों को भी, तो उनको भी अखंड का अनुभव करवाना ब्रह्म सृष्टि की बरकत है। ये भी ब्रह्म सृष्टि को ही क्षमता दी है। तो वो सारे लीलाओं को अक्षर ब्रह्म अपने उस पर हृदय में अंकित करते हैं स्मरण में, तब जाकर के ये अखंड होता है, इस तरह से मानना चाहिए। ए बात बारीक अति बुजरक दो स्वरूपों सुख बातन, तो ये बात है अति सूक्ष्म है और अत्यंत समझने जैसी बड़ी श्रेष्ठ बात है। दो स्वरूपों सुख बातन, दोनों स्वरूपों के आंतरिक सुख ब्रह्मात्मा और अक्षर ब्रह्म, या दो स्वरूप कहने से ये है। करी परीक्षा इश्क साए भी सुख होशी नूर रूहाना, तो ब्रह्मात्माओं को इस प्रकार से ये उनके प्रेम की परीक्षा की है कि जिससे ब्रह्मात्माओं को सुख होगा और अक्षर ब्रह्म को भी सुख मिलेगा, क्योंकि परमधाम की लीला अक्षर ब्रह्म को भी रास के माध्यम से नश्वर जगत में देखने को मिलेगी, इस प्रकार उनको भी सुख होगा। नूर और रूहान अक्षर ब्रह्म और ब्रह्मात्मा दोनों को सुख होगा। करशे कायम खाकी भूत को करके नूर सनमुखा, तब अक्षर ब्रह्मा ये सब समझ करके तो फिर ये खाकी भूत को के ये नाशवान देह को भी वो अखंड कर देंगे। करके नूर सनमुख, तो अपने सम्मुख अपने हृदय में इन सब लीलाओं को अंकित करके, इनसे अक्षर और मोमिन लेसे कायम इश्क के सुख। तो जब ब्रह्मात्मा परमधाम में जागृत होंगी और अक्षर ब्रह्म भी परमधाम में, अक्षर ब्रह्म भी अपने स्थान पर जागृत होंगे, तो उस समय उनको भी अक्षर ब्रह्म को भी अक्षरातीत की लीला स्मरण करते हुए अपार आनंद होता रहेगा, और ब्रह्मात्माएं भी तो ये दुनिया को याद करती हुई उनको लगता है कि ओहो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने कितना सुख दे दिया, इस प्रकार से वो बार बार इसको याद करके हमेशा आनंदित रहेंगी। इस सुख जाने नूर जमाल या जाने नूर अक्षर, इस सुख को तो या तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जान सकते हैं या अक्षर ब्रह्म जान सकते हैं, या हम रूहे जान ही या हम जान सकते हैं। हम ब्रह्मात्माएं कहे महामत हुकुम यों करा, महामती पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से इस प्रकार कह रहे हैं। तो उस सुख को दुनिया को देख करके फिर परमधाम में इस सुख को अनुभव करना है, वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और ब्रह्मात्मा ही जान सकती है, फिर अक्षर ब्रह्म इसको जिन्होंने याद किया है, ये इसको अखंड किया है, वो समझ सकते हैं। ये बातें यहाँ पर समझाई। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
कहे मामत हुकुमे यों कर। ए सुख जाने नूर जमाल, या जाने नूर अक्षर, या हम रूहे जानही, कहे महामत हुकुमे यों कर। कहे महामत हुकुमे यों कर। करे की जय।